हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 11th और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एनटीएससी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है और केवीपीवाई के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखो हाइड्रोकार्बन होते क्या है, कैसे डिफाइन करूंगा मैं, इट मे बी Defined as those organic compounds which consist only carbon and hydrogen. ठीक है बेटा, ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक ही होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनमें सिर्फ कार्बन हो या फिर हाइड्रोजन हो ना, हाइड्रोकार्बन। या फिर अगर कोई और नाम देना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको, हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, है ना। सिंपल सा, भी हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन किसके हैं, कार्बन के हैं, तो हो गया ना हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। जैसे CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H6 इथीन, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे कंपाउंड कौन से हो गए, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें या तो सिर्फ कार्बन है या फिर हाइड्रोजन है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि हम हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जनरली हम जो हम क्लासिफाई करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा कि मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसके बेसिस पे हम हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो क्या लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन है, these are of two types. तो कौन से होंगे वो, फर्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बहुत ही कॉमन से वर्ड्स है ना, अब ये हम सब जानते हैं कि सैचुरेटेड क्या होते हैं अनसैचुरेटेड, तो जो सिंपल मीनिंग होता है सैचुरेटेड का वो क्या होता है, जिसमें कोई और सब्सटेंस हम ऐड ना करता, ये होता है ना सैचुरेटेड। जैसे पढ़ा हुआ हमने 9th क्लास में भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कुछ ऐड करते हैं, तो सेम मतलब यहां पर भी है, सैचुरेटेड का मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर यूनिट ऑफ कार्बन एटम आर मैक्सिमम, कि अगर मेरे पास गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उनके लिए जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे। अब उतने कार्बन के ऊपर हम एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं कर पाए तो उनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या जैसे डिफाइन करूंगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मे बी
defined as those hydrocarbons defined as those hydrocarbons in which only single covalent bond is present between carbon carbon. आया बात समझ में कि ऐसे कंपाउंड तुमने ना बेटा सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को देखना और किसी को नहीं, क्योंकि जो कार्बन कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। अगर वो सिंगल बॉन्डेड है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और अगर वहां पे सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है मतलब डबल और ट्रिपल होगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल करें तो मीथेन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, तो ये सब क्या हो गए हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये ब्रांच में भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, वो बात अलग है, बट मेन चीज क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होगा, कोई भी मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, दीज आर also called alkanes। ठीक है, हाँ लास्ट में क्या है बेटा, ANE। ठीक है, इनको हम alkanes भी बोलते हैं। अब मैं इनका अगर जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं, जनरल फॉर्मूला ऑफ alkanes, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CN CN H2N plus 2। मतलब कि कार्बन के जितने भी एटम होंगे हाइड्रोजन के उसके 2 टाइम्स प्लस 2, दुगने से 2 ज्यादा, सिंपल लैंग्वेज में कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे हाइड्रोजन के उससे डबल प्लस 2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, n क्या होगा बेटा, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है, होल नंबर्स मिलोगे पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 into 1 plus 2 that is CH4, 2 into 1 2 plus 2 4, n की वैल्यू 2 पुट कर देता हूं क्या हो जाएगा, C2H2 into 2 plus 2 that is कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 into 2 4 plus 2 6 C2H6। इस तरीके से समझ रहे हो, तो ये हो गया अपने पास सिंपल हाइड्रोकार्बन्स। बस ये तुम ध्यान रखना कि जो इनका जनरल फॉर्मूला होगा इन्हीं फॉर्मूले से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि ये एल्काइन्स। ठीक है, अब कोई भी तुम बहुत सिंपल तरीके से एल्केन्स का स्ट्रक्चर भी लिख सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर से अनसैचुरेटेड मतलब कि जो सैचुरेट ना हो, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट मैक्सिमम, इन विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैन बी एडेड, जिसमें हम हाइड्रोजन से कुछ एटम्स को एड कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, एक may be defined as those hydrocarbons in which multiple bond present
बिटवीन टू कार्बन एटम्स, मतलब कि कार्बन कार्बन, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होंगे। अब इसका मतलब बेटा ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई जैसे कि वो कोई चेन है, ये लगा के चलो कार्बन पांच कार्बन है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि सभी के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है पर जरूरत नहीं है। तो कहता है कि उसने हो अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भी वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। जैसे इस तरीके से तो क्या हो गया यहाँ पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड तो भी क्या बन गया, ये अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन की जो संख्या थी वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई, और हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखना मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होगा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम एक, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या दोनों भी हो सकते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब जो हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड की, अब वो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, नंबर वन एल्कीन्स और नंबर टू एल्काइन्स, ठीक है। अब ये एल्कीन और एल्काइन्स क्या होते हैं, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, एग्जांपल क्या होंगे बेटा, वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ो और याद करो, ओके, थैंक यू।